खुदा ए खुदा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलआक़िबतु लिलमुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन खातमिन नबियीन वअला आलिहि तय्यिबीन वअस्हाबिहि ताहिरीन अलैना वअलैहिम अजमाईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों और भाइयों और प्यारे बच्चों, और ख़ास करके इस वक्त जो हम जमा हैं, हमारी मोहतरमा माएँ बहनें और बेटियां, ये एक मस्तूरात का प्रोग्राम है, लेडीज़ प्रोग्राम है। मैं कोशिश करूं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी माँ बहनें बेटियों को फ़ायदा हो, और उमूमी तौर पर अल्लाह पूरी उम्मत को फ़ायदा पहुँचाए। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व ताला हम सब के जमा होने को कबूल फ़रमाए। अल्लाह की कसम, अगर हम थोड़ी देर के लिए सोचें, हमारा जमा होना सिर्फ़ अल्लाह के वास्ते हुआ है। हमारा जमा होना आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते हुआ है। हमारा जमा होना ईमान और इस्लाम के वास्ते हुआ है। बस अल्लाह तबारक व ताला हमको इखलास के साथ सुनने और बोलने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहली बात, बहुत लंबे ज़माने के बाद हम यहाँ जापा बाज़ार में मदरसा दावतुल इस्लाम की निस्बत पर यहाँ आना हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मदरसा दावतुल इस्लाम जो माशाअल्लाह उलमा किराम की निगरानी में चल रहा है, और मैं कैसे कहूँ कि उलमाए किराम की निगरानी में, बहुत सारे उलमाए किराम हैं जो मदरसा दावतुल इस्लाम की निगरानी करते हैं, और उनकी निगरानी में ये मदरसा जारी व सारी है। जिसमें सबसे अगर सरपरस बनाया गया तो मेरे जैसे नालायक कारी अहमद अली को बनाया गया। बस दुआ करें कि अल्लाह तबारक व ताला इस मदरसा दावतुल इस्लाम को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्कियों से मालामाल फरमाए। अल्लाह यहाँ की बच्चियों को हाफिज़ा आलिमा और तकिया और नकिया और ज़किया और अपने माँ बाप के लिए आँखों की ठंडक बनाएं। मुझे इस वक्त ज़रूरी बात, मेरी माँ बहनें, चूँकि मुझे टाइम दिया गया है 4:30 बजे तकरीबन बात को ख़त्म करना है, तो सबसे पहले मेरी माँ और बहनें, हमें आजकल के हालात में सबसे बड़ा काम है हमारा यकीन बनना कि करने धरने वाली ज़ात अल्लाह ही की ज़ात है। और अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की ताकत से बढ़कर कोई ताकत नहीं, अल्लाह की कुदरत से बढ़कर कोई कुदरत नहीं। मेरी माँ बहनें जितनी बैठी है, बहुत गौर से सुने कि एक ज़माना वो था कि हम दुनिया में नहीं थे, एक ज़माना वो था, मेरे बच्चे भी सुनेंगे, एक ज़माना वो था हम दुनिया में नहीं थे। जब हम नहीं थे तो हमें नहीं में रखने वाला कौन था? अल्लाह। फिर एक ज़माना वो आया कि हम दुनिया में आ गए, जैसे माशाल्लाह देखो अल्लाह सबकी उम्र में बरकत अता फरमाए, हमारा खाना पीना बोलना उठना रोना हंसना चलना फिरना, ये सब एक ज़िंदगी है, ये देने वाला कौन है? अल्लाह। फिर एक वक्त आएगा, मेरी माँ बहनें अल्लाह की कसम, वो वक्त आएगा हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, कोई बचने वाला नहीं, तो हमें मौत देने वाला भी अल्लाह है। फिर एक वक्त आएगा अल्लाह कब्र से उठाएंगे, कब्र से हमको उठाएंगे, तो उठाने वाला भी कौन है? अल्लाह। फिर एक वक्त आएगा ऑन द डे ऑफ जजमेंट, कयामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला हमारा हिसाब किताब लेंगे, तो हिसाब किताब लेने वाला भी अल्लाह, और आखिर में हमारे जन्नत और जहन्नम का फैसला करने वाला भी अल्लाह। तो अगर मेरी माँ बहनें थोड़ी देर के लिए सोचे आजकल के हालात में कि हमने सब सोचा, कोरोना के बारे में सोचा, डेंगू के बारे में सोचा, बीमारियों के बारे में सोचा, गर्मी के बारे में सोचा, ठंडी के बारे में सोचा, अपने घर और कारोबार के बारे में सोचा, लॉकडाउन और महकमे के बारे में सोचा, हम किसी ने ये नहीं सोचा कि जब सब कुछ शुरू में करने वाला अल्लाह है, बीच में करने वाला अल्लाह है, आखिर में करने वाला अल्लाह है, तो वो अल्लाह की तरफ हम क्यों रुजू नहीं करते? कुरान पाक में लिखा, जैसा भी मैंने आपको कहा कि सब कुछ करने धरने वाला कौन? अल्लाह ने कलाम पाक में फरमाया कैफ तकफुरून बिल्लाहि व कुन्तुम अमवाता फअहयाकुम थुम्मा
ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے کیوں مجھے دھوکا دیتے ہو, اللہ فرماتے کیوں میرا انکار کرتے ہو, اللہ فرماتے کیوں مجھے پیچھے رکھتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تم سب دنیا میں نہیں تھے, لانے والا کون بولو اللہ ہی, دنیا میں آ گئے تو یہ پیدا کرنے والا کون اللہ ہی, پھر ہم مر جائے تو موت دینے والا کون اللہ ہی, پھر زندہ کرنے والا کون اللہ ہی, قیامت کے میدان میں حساب و کتاب کرنے والا کون اللہ ہی, ہمارے جنت و جہنم کا فیصلہ کرنے والا کون اللہ ہی. تو شروع میں, بولو شروع میں اللہ, بیچ میں اللہ, آخر میں اللہ, تو سب کچھ کرنے دھرنے والا کون ہے اللہ. تو میری ماں بہنیں, آج سب سے بڑی بات جو مجھے کرنا ہے وہ یہ کہ اللہ کا ڈر, اللہ سے ڈرنا, یہ میرے بچے بھی ساتھ میں بولیں گے, اللہ سے ڈرنا. اور میں ہماری ماں بہنوں کو بہت کھل کر بتا رہا ہوں, یہ وقت بہت کم ہے, کہ اگر میں اور آپ اللہ سے ڈرے, اللہ سے ڈرے, اللہ کی قسم ہماری دنیا میں بھی بھلائی ہے, ہماری آخرت میں بھی بھلائی ہے. میں آپ کو قرآن پاک سے بتا رہا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے, سب سے کٹھن گھڑی وہ ہوگی جب ہماری آخری سانسیں چلتی ہوگی, جب ہمارے ہوش ختم ہونے والے ہوں گے, ہم بول نہیں پائیں گے, ہم اٹھ نہیں پائیں گے, ہم کی ایک بار سبحان اللہ نہیں کہہ پائیں گے, وہ آخری گھڑی ہوگی. اللہ فرماتے میرا بندہ اور میرے بندیا مجھ سے ڈرو, اللہ فرماتے مجھ سے ڈرو, جب آخری گھڑی آئے گی تم چاہو گے یا نہ چاہو گے میں موت کے وقت تمہیں کلمہ نصیب کر دوں گا. یہ اللہ نے کلام پاک میں فرمایا, سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے جن کو یاد ہوگا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ فرماتے ایمان والے مرد اور عورتیں, جب آخری وقت آئے گا تم اللہ سے ڈرتے رہو گے, اللہ فرماتے چاہے گا یا نہ چاہے گا میں موت کے وقت کلمہ نصیب کر دوں گا. تو سب سے پہلا انعام اگر ہم اللہ سے ڈرے تو موت کی جو آخری گھڑی ہے, جو ہمارا کٹھن سے کٹھن وقت ہے, ہم چاہیں گے یا نہ چاہیں گے اللہ کلمہ نصیب کر دے گا. دوسری بات, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندوں میری بندیاں مجھ سے ڈرو نا, مجھ سے ڈرو. ہم نے پوچھا اللہ کیا ملے گا, اللہ نے فرمایا میں سب کو جنت دوں گا لیکن جو مجھ سے بندہ یا بندی ڈرے گی میں جنتوں پہ جنت عطا کروں گا, جنتوں پہ جنت عطا کروں گا. اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر جا, اے میری بندی مجھ سے ڈر جا, ہم جنتوں پہ جنت عطا کریں گے. تو موت کے وقت ساتھ میں بولو, موت کے وقت کلمہ بھی ملے گا, جنت بھی ملے گی. تیسری بات, اللہ فرماتے مجھ سے ڈرو. ہم نے کہا اللہ کیا ملے گا, اللہ نے فرمایا میری قسم تیرے ساری مشکلوں کو آسان کر دوں گا. آج ہم لوگ کتنے پریشان ہیں, کوئی روزی میں پریشان ہے, کوئی اپنی ساس کے بارے میں پریشان ہے, کوئی اپنی دیورانی اور جیٹھانی سے پریشان ہے, تو کوئی اپنے فیملی پرابلم سے پریشان ہے, تو کوئی اپنے شوہر سے پریشان ہے. اللہ فرماتا تم یہ سمجھتے ہو کہ میری ساس کا معاملہ حل نہیں ہوگا, تم یہ سمجھتے ہو کہ میری دیورانی اور جیٹھانی کا معاملہ حل نہیں ہوگا, تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا شوہر اور میرے میں محبت نہیں ہوگی. اللہ فرماتے سارے انسانوں کے دل میری دو انگلیوں کے درمیان میں ہے, جیسے چاہتا ہوں پلٹا دیتا ہوں. اور اللہ فرماتے میرے سے ڈر لے, میرے سے ڈر لے, تیری ساری پریشانیوں کو بھی دور کروں گا اور چھپر پھاڑ کے بے حساب حلال برکت والی روزی عطا کروں گا. اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ان اللہ بالغ امری. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر جا, تیری ساری تکلیفیں ساری پریشانیوں کو دور کر دوں گا. اللہ فرماتے صرف پریشانی دور نہیں کروں گا, ایسی جگہ سے چھپر پھاڑ کے حلال برکت والی روزی دوں گا تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. کتنے انعامات ہو گئے, تین, ہاں موت کے وقت کلمہ مل جائے گا,
मौत के वक्त कलमा मिल जाएगा, नंबर दो जन्नतें मिल जाएगी, नंबर तीन परेशानियां हल होगी और रोज़ी में बरकतें होगी। अब मैं आखिरी जो इनाम बता रहा हूँ, वैसे अल्लाह ने पूरे कुरान में 35 इनाम बताए हैं अल्लाह से डरने के, अल्लाह ने कितने इनाम बताए, 35, जो इस वक्त भी नहीं कि वो सारे 35 इनाम को हम सोचें, लेकिन एक इनाम अल्लाह ने इतना प्यारा कहा, अल्लाह ने कहा मेरा बंदा मुझसे डर, ए मेरी बंदी मुझसे डर। हमने कहा अल्लाह डरेंगे, हमें मालूम है मौत के वक्त कलमा भी मिलेगा, हमें जन्नतों पर जन्नत मिलेगी, ए अल्लाह हमें मालूम है कि हमें रोज़ी बेहिसाब मिलेगी, अल्लाह हमारी मुश्किलें हल होगी, लेकिन अल्लाह ने फरमाया मेरे से डर सबसे बड़ा इनाम देने वाला। वो क्या इनाम देने वाला? अल्लाह ने फरमाया मेरी बंदी अगर तुम मुझसे डरेगी तो याद रखना तुझे दुनिया में कुछ दूं ना दूं, इतनी बात याद रखना तुम्हें पैदा करने वाला अल्लाह खुद मिल जाएगा। कौन मिल जाएगा? अल्लाह। जब अल्लाह मिल गया तो सारी जन्नतें अपनी, सारी जमीनें अपनी। और ये अगर आपको देखना हो तो 14वें पारे की आखिरी आयत पर चले जाओ, 14वें पारे की आखिरी आयत अल्लाह तबारक व तआला फरमाते इन्नल्लाह मअल्लज़ीन तक़ौ। यहाँ एक कलमा है अरबी में मा के माने आते ऐसा साथ होना जो कभी अलाहिदा ना हो, ऐसा मिलना जो कभी सेपरेशन ना हो। अल्लाह फरमाते इन्नल्लाह मअल्लज़ीन तक़ौ वल्लज़ीन हुम मुहसिनून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा मुझसे डरने वाला, ए मेरी बंदी मुझसे डरने वाली। अल्लाह फरमाते तुम्हें कुछ मिले ना मिले एक बार मेरा डर पैदा करो। अल्लाह फरमाते तुम्हें कोई नहीं मिलेगा पैदा करने वाला, अल्लाह खुद मिल जाएगा। बोलो पैदा करने वाला अल्लाह खुद मिलेगा। इसलिए मेरी माँ बहनें सबसे, बल्कि अभी बात आई तो एक बात बताऊँ, वो घड़ी भी देखना पड़ता है ना, टाइम भी देखना पड़ता है। तुम तो हो ना मुन्ना भाई यहाँ पे? हाँ माशाल्लाह यहाँ पे बैठे हो, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हाँ आप लोगों को आने में देर हो गई या मैं जल्दी आ गया? आप लोगों को लेट हो गया। चलो अल्लाह तबारक व ताला सबको अच्छा रखे, अल्लाह हमारी माँ बहनों को भी अच्छा रखे। असल में सबसे बड़ी चीज़ है अल्लाह का डर। अभी कल मैंने एक हदीस पाक पढ़ी, इतनी प्यारी हदीस कि अकल हैरान हो जाए कि अल्लाह की शान कैसी शान होगी। अल्लाह की कसम अल्लाह की शान कैसी शान होगी। अल्लाह तबारक व ताला ने जब हज़रत जिब्राइल को पैदा फरमाया, जिब्राइल फरिश्ते बल्कि तमाम फरिश्तों के सरदार, अल्लाह ने जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल तुम फरिश्ते हो, मैंने तुम्हें पैदा किया है, 18,000 साल मेरे अर्श के नीचे खड़े हो जाओ। कितने हज़ार साल? 18,000, 18,000 साल। कल ही मैंने हदीस पाक पढ़ी, मेरे अर्श के नीचे खड़े हो जाओ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, ज़ाहिर बात है फरिश्ते, फरिश्ते अंदर ना मर्द होते ना औरत होते, ना खाना होता ना पीना होता ना सोना होता। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम पूरे अदब के साथ 18,000 ईयर 18,000 साल अर्श के नीचे खड़े रहे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने 18,000 साल के बाद पूछा, ए जिब्रील आज मैं एक पहला सवाल तुमसे पूछना चाहता हूँ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, अल्लाह 18,000 साल के बाद तुम मुझसे बात कर रहा, क्या सवाल पूछना चाहता? अल्लाह ने फरमाया मेरा पहला सवाल है, 18,000 साल मेरे अर्श के नीचे खड़े हुए हो, अब मेरे पहले सवाल का जवाब दो, मन अना, मैं कौन हूं, मैं कौन हूँ। लिखा है कि हज़रत जिब्राइल जैसे भी जिस हाल में होंगे कप 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 थर 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 काँपने लगे, और अल्लाह ने पूछा मैं कौन हूँ, हज़रत जिब्राइल ने जो जवाब दिया, हालांकि जवाब दिलाने वाला भी कौन, अल्लाह, लेकिन हज़रत जिब्राइल ने जो जवाब दिया इतना प्यारा जवाब दिया, कहा अल्लाह तू कौन है? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया अंतल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बार अल जब्बारुल मुतकब्बिर। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह तू तो बादशाहों का बादशाह है, इलाहुल आलमीन तू तो सलामती देने वाला है, अल्लाह तू तो निगहबानी करने वाला है, अल्लाह तू तो अजीज और जब्बार और मुतकब्बिर है। अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया सदकता या जिब्राइल, जिब्राइल मेरे सवाल का जवाब तुमने सही दिया, अब 18,000 साल और इंतजार करो, फिर मैं दूसरा सवाल पूछूंगा। 18,000 साल और अर्श के नीचे इंतजार करो, फिर मैं दूसरा सवाल पूछूंगा। आप सोचो 18,000 साल गुजरने के बाद दूसरा सवाल भी इसी तरीके का अल्लाह ने किया, क्योंकि अल्लाह बताना चाहते हैं कि मेरी ताकत के आगे कोई ताकत नहीं। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल आज मेरा दूसरा सवाल है, मन खलका का, तुझे पैदा किसने किया?
अरे बोलो ना, तुझे पैदा किसने किया? जाहिर बात है हज़रत जिब्राइल ने जो जवाब दिया, क्या फरमाया, मुझे पैदा किसने किया? अंतल खालिकुल बारिउल मुसव्विर, ए अल्लाह तू ही खालिक है, तू ही पैदा करने वाला है, तू ही शक्लें देने वाला है, तू ही किसी को वजूद में लाने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सदक्त या जिब्राइल, ए जिब्राइल तूने बिल्कुल सही कहा। फिर हज़रत जिब्राइल ने कहा अल्लाह अब क्या करना, और 18,000 साल अर्श के नीचे खड़े रहो, फिर मेरा तीसरा सवाल आएगा, फिर मेरा तीसरा सवाल आएगा। और मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ना, बहुत सफ़ों में भरी हुई रिवायत है कि वो 18 साल हज़रत जिब्राइल का जो तड़पना, क्योंकि अल्लाह ताला बात करे इससे बढ़कर क्या दौलत होगी। अरे किसी से मोहब्बत हो जाए तो क्या मोहब्बत होगी, और ये फरिश्तों के सरदार है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। पहला सवाल हो गया था, अल्लाह ने पूछा था मैं कौन हूँ, दूसरा सवाल हो गया कि तुम्हें किसने पैदा किया, अब 18,000 साल के बाद तीसरा सवाल आया जिब्राइल मन अंता, तुम कौन हो, तुम कौन हो, क्योंकि मेरे आर्श के नीचे हो तो बहुत बड़े मर्तबे पर हो, तो मन अंता तुम कौन हो। हज़रत जिब्राइल का जो जवाब था, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, कितना प्यारा जवाब दिया, अनल अब्दुल आबिद अल मुसब्बिह अल मुतवाज़े, का अल्लाह मैं तो तेरा बंदा हूँ, अल्लाह भले आर्श के नीचे खड़ा हूँ लेकिन मालूम है पैदा करने वाला तू है, तू खालिक है, मैं मखलूक हूँ, ए अल्लाह मैं बंदा हूँ, और जब से यहाँ मैं खड़ा हूँ अल्लाह मैं इबादत कर रहा हूँ और तेरी पाकी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बयान करता हूँ, और अल्लाह मैं एक ही चीज का इंतजार करता हूं, अल्लाह तू कोई भी हुक्म देगा जिब्राइल जान दे देगा मगर आपके हुक्म की नाफरमानी कभी नहीं करेगा। सोचो अल्लाह, अल्लाह ही तौफीक देने वाले, अल्लाह ने फरमाया जाओ जिब्राइल तुम तीनों सवाल के जवाब में कामयाब हो गए, आज से मैंने फैसला किया कि जितने नबी आएंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर नबी से तुम्हारी मुलाकात करवाऊंगा और सारे फरिश्ते नीचे होंगे, मेरे जिब्राइल रूहुल अमीन तुम सबसे ऊपर होंगे। चलो तीनों सवाल जवाब बोलो हो गए। फिर अल्लाह ने फरमाया कि कुछ मांगना है, भाई इम्तिहान हो जाए तो पूछते नहीं, इनाम कुछ चाहिए, तो अल्लाह ने फरमाया कुछ मांगना है, तो कहा अल्लाह एक चीज़ मुझे बता कि तू बहुत बड़ी दुनिया पैदा करेगा, और बोलो हुई पैदा, अल्लाह तू बहुत बड़ी दुनिया पैदा करेगा उसमें सबसे ज़्यादा पसंदीदा तुझे कौन होगा। हज़रत जिब्राइल, हदीस पाक में लिखा हज़रत जिब्राइल ने यह सोचा होगा कि मेरा नाम आएगा, मेरा नाम आएगा क्योंकि इम्तिहान तो मैंने दिया, 18,000 साल अर्श के नीचे मैं खड़ा रहा और मैंने कितने प्यारे प्यारे जवाब दिए, जिसके जवाब में अल्लाह ने फरमाया सदक्त या जिब्राइल, ए जिब्राइल तुमने सच कहा, तो अब तो मेरा ही वक्त है। तो अगर जिब्राइल ने फरमाया अल्लाह मैं एक चीज मांगना चाहता हूं, तू बहुत बड़ी दुनिया पैदा करेगा, तो इंसानों को, जिन्नातों को, चरिंदों को, दरिंदों को, परिंदों को, समंदरी मखलूक को तू पैदा करेगा, अल्लाह उसमें सबसे अफजल कौन होगा। अल्लाह ने उस वक्त फरमाया इब जिब्राइल उनजुर फौक, जिब्रेल जरा ऊपर तो देखो। तो हज़रत जिब्रेल ने कहा अल्लाह इतने हज़ार साल से यहाँ खड़ा हूँ, मेरी हिम्मत ही नहीं कि मैं आर्श को देखूँ, मैंने आज तक, अल्लाह ने कहा देखो तो सही। हज़रत जिब्रेल ने यूँ आर्श की तरफ देखा तो लिखा हुआ था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, क्या लिखा हुआ था, मोहम्मदुर रसूल। तो हज़रत जिब्रेल अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह लिखा मोहम्मद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया लौलाहु मा खलक्तुल अफलाक वल अर्ज़ीन, अरे तुमने मोहम्मद को देखा, यही वो है कि अल्लाह फरमाते मेरे बाद अगर किसी का दर्जा कोई आजमत वाला, कोई शराफत वाला, कोई मनकबत वाला, तो ये मोहम्मद है, और मेरी कसम अगर इनको पैदा करना ना होता तो जिब्राइल मैं तुम्हें भी पैदा ना किया होता। मेरे दोस्तों ये मैंने आपको हदीस पाक सुनाई जो कल मैंने पढ़ा, लेकिन इतनी तो बात समझ में आ गई कि अल्लाह की ताकत के आगे कोई ताकत नहीं, और प्यारे नबी से बढ़कर, लेकिन मेरी माँ बहनें, मैं इनको तो अभी कुछ नहीं कहूँगा, हमारी माँ बहनों को कहूँगा, हम कौन से नबी से मोहब्बत करते हैं, हमारे घर में लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं, दीन के मामले में भी हम लड़ाई झगड़े करते हैं, दुनिया के मामले में भी हमारे लड़ाई झगड़े होते, क्या क्या तरीका है ये क्या तरीका। ये अल्लाह ने इतना अच्छा हमको मदरसा दिया, यहाँ
सलमान भाई और आपको नहीं मालूम होगा, यहाँ माशाल्लाह मदरसा चलता, मदरसा दावतुल इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह 250 से 300 बच्चियाँ यहाँ पर पढ़ती है, और बहुत सारे उलमा हमारे यासिर भाई मुझे बार बार बताते कि फ़लाँ आलिम से मशवरा हुआ, फ़लाँ आलिम से मशवरा हुआ, और इस मदरसे का ज़िम्मेदार मैं खुद हूँ, कारी अहमद अली खुद ज़िम्मेदार हूँ यहाँ पर, हमारे मशवरे से यहाँ काम होता है, माशाल्लाह बच्चियाँ पढ़ रही है, कुरान पाक को सही से सही किया जाता है। बस एक दुआ करना चाहिए कि आज जहाँ जहाँ दीन का काम होता, पहले ये होता था कि दुनिया के कामों में कहा जाता था ये उसका कंपटीशन करता है, वो उसको गिराना चाहता है, वो उसकी टांग खींचना चाहता, अल्लाह ने आज शैतान को इतना हम पर मुसल्लत किया कि दुनिया के कारोबार में हमें गैरों से नुकसान नहीं पहुंचा जितना अपनों से नुकसान पहुंचा, लेकिन दीन के मामले में भी अल्लाह हम सबको हासिदों के हसद से बचाए, फितनों के फितने से बचाए, शरीरों की शरारतों से बचाए। आप सोचो एक मदरसा है, दावतुल इस्लाम है, उलमा इकराम उसकी निगरानी करते, उलमा कौन होते, मैं अपनी बात नहीं करता, मैं तो बहुत गुनहगार निकम्मा कमीना, लेकिन जो उलमा इकराम यहाँ पर आते और उनसे मशवरा होता, आलिम कौन होता है, आलिम वो होता है जिसके सीने में कुरान होता है, आलिम वो होता है जिसके सीने में हदीस होती है, आलिम वो होता है जिसके सीने में फिका होता है, आलिम वो होता है जिसके सीने में सफा होता है, आलिम वो होता जिसके सीने में अस्माए रिजाल का इल्म होता, बल्कि मैं तो कहता हूं हमारे नबी ने फरमाया आलिम वो होता है कि समंदर की मछलियां भी रात भर उसके लिए दुआएं करती रहती है। वो उलमा की निगरानी में मदरसा चले, बस अल्लाह हासिदों के हसद से बचाए। असल में जो दावत और तबलीग की बुनियाद है ना, वो कौन है, हजरत मौलाना, क्या शख्सियत थी, अल्लाह की कसम क्या शख्सियत थी हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह की। अल्लाह उनके नक्शे कदम हमको चलने की तौफीक अता फरमाए, और मेरे प्यारो अल्लाह हमको दीन दीन को समझने की तौफीक अता फरमाए। तो खैर बात ये कर रहा था कि हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से बढ़कर बोलो ना कोई नबी। एक बहुत पते की बात याद आई, ये औरतों को पर्दा करना चाहिए नहीं, आप लोग तो बोलो, आपको कहाँ बोल रहा हूँ पर्दा करने को। असल में मामला क्या है, एजाज तेरी बीवी आई है तो समझ ले तेरे ऊपर ही है। वो बेचारा घर का इतना डरा हुआ होता है सलमान कि बाहर भी कुछ नहीं बोलता। और मालूम है ना, एक आदमी मेरी उम्र का होगा, कारी अकील तुम्हारी तो शादी हो गई ना, एक मेरी उम्र का होगा बेचारा 52 साल का होगा, शादी किया, बोलो कौन सी उम्र में, 52, तो किसी ने उसको कहा कि पागल है 52 साल की उम्र में शादी करने का। अरे अच्छा खासा अल्लाह ने तेरे को 20 साल की उम्र दिया, 25 साल की उम्र दिया, 30 साल की उम्र दिया, वहाँ शादी करता, अभी 52 साल की उम्र में जब आधा पांव तेरा कब्र में पहुँच गया अब शादी करना। तो कहने लगा अरे क्या करूँ, मेरी मजबूरी है, मामला ऐसा है कि मैं हर साल इतना बड़ा सदका करता था कि हज़ार हज़ार बलाएँ दूर हो जाती थी, यही साल सदका करना भूल गया, समझा, ये देखा अभी करके बैठा है यानी। कब मैंने तेरा निकाह पढ़ाया, एक महीने के बाद मिठाई आई, 5 तारीख को निकाह पढ़ाया, आज मेरे को हदिया दे, मैंने कहा काय का हदिया, कहा निकाह पढ़ाया था ना, तो मैंने कहा अब तक तो दूसरा पढ़ लिया होता। खैर अल्लाह हम सबको, थोड़ा मैं हंसाता हूँ, तवा गरम करता हूँ, रोटी पकाने आ रहा हूँ, पर्दा करना ज़रूरी है शरीयत में, अरे बोलो ना ज़रूरी है। आज एक सहाबिया का वाकया बताता हूँ, अल्लाह की कसम दुआ करो कि अल्लाह इनके नक्शे कदम हमको जन्नत अता फरमाए। हाँ जब पर्दे की आयत नाजिल हुई ना कुरान में, तो वो रात का वक्त था, मगरिब के बाद का वक्त था, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आयत लेकर आए कि औरतों पर पर्दा करना, उससे पहले औरतें पर्दा नहीं करती थी, मस्जिद में आती थी, एक आध चादर वगैरह होती थी या चादर भी नहीं होती थी, ऐसे ही दुपट्टे को सर पे लपेट लेती थी और मस्जिद में आ जाया। लेकिन जब वो मगरिब के बाद मदीना मुनव्वरा में आयत करीमा नाजिल हुई, जिनको याद हो मेरे साथ में पढ़ना, अल्लाह ने वो आयत करीमा नाजिल फरमाई, या अय्युहन नबी कुल लिअज़्वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما। مغرب کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوتی اور اللہ بھی کیسے شان سے نازل کرتا, اے نبی پہلے اپنی بیویوں کو کہو کہ پردہ کرے,
अपनी बेटियों को कहो कि पर्दा करे। हालांकि हमारे नबी से बीवियों से बढ़कर कोई पाक दामन औरत दुनिया में नहीं हो सकती, हमारी माँ है और हमारे नबी की बेटियों से बढ़कर कोई नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया हमारे नबी की बीवियाँ, अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह फरमाते नबी के घराने को तो मैंने मुकद्दस बनाया, मैंने पाक बनाया, लेकिन मगरिब के बाद वो आयत करीमा नाजिल होती है, हमारे नबी अपनी अज़वाजे मुताहरात अपनी बनाते ताहिरात को जमा करते और कहते सारी मुसलमान औरतों को ये पैगाम पहुंचा दो कि अब पर्दा फर्ज हो गया, चेहरा छुपाना फर्ज हो गया। अब मामला ये हुआ कि एक औरत जो बेचारी कहीं दूर से आती थी मस्जिद में, उसको पता ही नहीं कि पर्दा फर्ज हो गया। अब वो तो सुबह सुबह फजर की नमाज में आई तो देखा कि सारी औरतें चेहरे पर पर्दा रखी हुई, तो पूछने लगी अपनी बहनों को क्या हुआ, आजकल तुम तो ऐसे ही दुपट्टा ओढ़ के आ जाती थी, अब ये सारा चेहरा क्यों छुपा है। कहा बहन तुम्हें नहीं मालूम कल रात को मदीने पाक में ऐलान हो गया, कल मगरिब के बाद से ऐलान हो रहा है और ये आयत करीमा आ गई है और अजवाज मुताहरात भी पर्दे में है, बनाते ताहिरात भी पर्दे में है और आम मुसलमान औरतें भी पर्दे में। वो औरत अपने साथ एक छोटा बच्चा लेकर आई थी, छोटे बच्चे को कहती जा अपने घर से बड़ी चादर लेकर आ जा, जा अब मैं नहीं जाऊंगी। अब वो छोटा बच्चा बेचारा, छोटा बच्चा और उस ज़माने में लाइट ट्यूबलाइट नहीं थी, वो बेचारा ज़मीन पे गिरा। अब उसको हाथ में पाँव में कहीं चोट लगी, लेकिन माँ ने कहा था वो चादर लेकर आई, उस औरत ने वो चादर को लेकर अपने पूरे चेहरे पर अच्छे तरीके से लपेट लिया और उसके बाद में जो नमाज़ पढ़नी थी नमाज़ पढ़ ली। उसके बाद जब घर गई, अब घर गई तो बच्चा भी ज़ख्मी था और शोहर बड़ा नाराज़ था। शोहर ने कहा अरे ये एक आध नमाज बगैर पर्दे के पढ़ लेती तो क्या होता, हमको तो मालूम ही नहीं था कि पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ, हम दूर रहते मदीने में, हमको नहीं मालूम था, हम कसूरवार नहीं थे, अगर एक आध नमाज बगैर पर्दे के पढ़ लेती तो उन्हें छोटे बच्चे को घर भेजा, उसके में चोट लगी उसे जख्म आ गया। उस औरत ने जवाब दिया मेरे बच्चे की जख्म जो लगा है वो मुझे गवारा है, लेकिन मेरे नबी का कानून टूटे ये मुझे गवारा नहीं। कहा अगर ये बच्चा ना होता ना मैं अपनी वहां जान दे देती, मगर जब तक चेहरे पर पर्दा ना आता चादर ना आती मैं वहां से एक कदम भी आगे ना बढ़ाती। तो किसी ने कहा अरे एक कदम आगे बढ़ा देती, कहा मेरे नबी का हुक्म आ जाए उसके बाद अगर मैं एक कदम भी आगे बढ़ाऊं अल्लाह की कसम वो मेरा कदम जमीन पर नहीं जाएगा, वो मेरा कदम जहन्नम की तरफ चला जाएगा। हाँ मेरी माँ बहने, हमारे पास कौन सा अल्लाह का डर है, कौन सी नबी से मोहब्बत है। सच में कहता हूँ अल्लाह की कसम, हमारी माँ बहनें और हमारी जवान जवान बेटियाँ सिर्फ मोबाइल। जीना करना, जीना हो रहा है, यानी पहले ज़माने में मैं कसम खाकर कहता हूँ कि हमारे मर्द मोबाइल में जो चीज़ देखते थे तो फौरन कहते थे बनकर इतना गंदा देखने का। आज हमारी जवान बेटियाँ वो चीज़ें देख रही है मोबाइल में, जीना हो रहा है मोबाइल में, चोरी हो रही है मोबाइल में, सूदी कारोबार हो रहा है मोबाइल में, जुआ खेला जाता है मोबाइल में गेम खेले जाते हैं और पबजी खेला जाता है, बल्कि मेरे प्यारो गीबतें हो रही है मोबाइल में, झूठ बोला जाता है मोबाइल में, किसी की बुराई करना हो तो मोबाइल में, किसी पर तोहमत लगाना हो तो मोबाइल में। अरे मेरे दोस्तों हम लोगों को शर्म नहीं आती, कितनी औरतों पर हम तोहमतें लगाते, कितने मर्दों पर तोहमत लगाते, हालांकि हमें उनके बारे में कुछ नहीं मालूम होता। अल्लाह की कसम डरो जिस पर तोहमत लगाओ डरो, अगर खुदा न खास्ता उसने तहज्जुद के वक्त में अल्लाह के सामने हाथ उठा ली उसके हाथ और अल्लाह के दरमियान में कोई पर्दा बाकी नहीं रहेगा। कितने घरों में आज तलाक हुई, मेरी माँ बहनें बेटियाँ जानती है कितने घरों में जो तलाक हुई उसकी वजह भी मोबाइल है, मोबाइल की वजह से तलाक हो गई हमारे घर में। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए हम सब की। तो खैर मैं ये कह रहा था कि सबसे पहला काम तो हमको अल्लाह से डरना, बताओ कौन कौन तैयार भाई, सब डरेंगे इंशाल्लाह अल्लाह से डरेंगे। और दूसरा काम ये गुनाहों से बचना, पर्दा करना ज़रूरी है, बोलो पर्दा करना। और क्या क्या किस आप थोड़ी देर के लिए सोचो ना, थोड़ी देर के लिए सोचो, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए, बोलो अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए और हमारे नबी के सामने आपकी दो बीवियाँ बैठी हुई है, बोलो हमारे नबी के सामने आपकी दो बीवियाँ बैठी हुई। एक रिवायत के मुताबिक एक बीवी का नाम है हज़रत मैमूना, बोलो एक बीवी का नाम है मैमूना और एक बीवी गालिबन हज़रत आयशा, दोनों बीवियाँ आपके सामने बैठी हुई है और अल्लाह के रसूल पाक साथ में बात कर रहे हैं, भाई मियाँ बीवी आपस में बातें कर रहे। इतने में एक सहाबी आए जिनका नाम है हज़रत अब्दुल्ला, बोलो पूरा नाम है हज़रत अब्दुल्ला इबन उम्मे मक्तूम। वो सहाबी आए, वो जैसे सहाबी आए अल्लाह के रसूल, अच्छा जो सहाबी आ रहे हैं वो नाबीना है,
ब्लाइंड है, यानी उनको कुछ नजर नहीं आता। वो धीरे धीरे लकड़ी का सहारा लेके लकड़ी बजाते बजाते आ रहे हैं। अल्लाह के रसूल पाक सासिम अपनी दोनों बीवियों को कहते हैं इहतजिबा मिनहु, इहतजिबा मिनहु, पर्दा करो, पर्दा करो, पर्दा करो, जल्दी पर्दे में जाओ। तो दोनों बीवियां कहती क्यों अल्लाह के रसूल, क्यों अल्लाह के रसूल? तो कहा वो आ रहे अजनबी मर्द आ रहे, कौन हजरत? अब तो ये दोनों कहते अलैसा हुआ आमा, अल्लाह के रसूल वो तो नाबीना है, वो आएंगे उनको हम नजर भी नहीं आएंगे कि हम कौन बैठी है, उनको पता भी नहीं चलेगा कि कौन बैठी है। हमारे नबी ने फरमाया अफा अमिया वाले अंतुमा, वो नाबीना है, तुम दोनों थोड़ी नाबीना हो, वो तुमको नहीं देख पा रहे, तुम तो उनको देख पा रहे हो। हालांकि अजवाज मुताहरात ये कहकर हमारे नबी ने उम्मत की औरतों को ये सबक सिखाया, लेकिन हमारे यहाँ तो जो फैशन है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, घर में औरत रहेगी ना, क्या नाम बेटा तुम्हारा? फरीद भाई, सही में मैं कह रहा हूँ, आप सब लोग मेरी गवाही दोगे, घर में औरत रहेगी तो मेला मेला वो उसका वो कपड़ा होगा, और कभी इधर जा रही कभी उधर खाना पका रही है, शोहर आया तो शोहर भी आया तो देखा तो पूरे घर में बदबू फैली हुई, बीवी को देखा तो बीवी के कपड़े भी उड़ान तोड़ान जा रहे, और यही औरत को बोलो कल शादी में जाना है, आहा हा लिपस्टिक कितनी महंगी हो, और फिर उसके बाद में क्रीम चौपड़ने का, फिर उसके बाद में बालों को बनाने का, बुटीक में जाने का, हजारों अपने आप को तैयार करने का। हालांकि उसको कहो कि वहां तेरा शोहर तुझे नहीं देखेगा, तेरा शोहर तो एक किनारे में खड़ा होकर बेचारा खिदमत करता होगा, लेकिन जो बीवी अपने शोहर के लिए घर में खूबसूरत बनना फर्ज था उसको छोड़ दिया, और गैरों को अपनी खूबसूरती बताने के लिए तैयार होने वाली बनी, जबकि हमारे नबी फरमाते कोई औरत तैयार हो और इसलिए तैयार हो कि सारी दुनिया उसे देखे, अगर वो परफ्यूम लगाए इसलिए लगाए कि सारी दुनिया उसे सूंघे, हमारे नबी फरमाते इससे बढ़कर जीना करने वाली औरत कोई नहीं होगी। अगर आज हम किसी को रंडी बोले, किसी को वेशिया बोले, हमारी जबान पर अच्छा सूट नहीं होता, लेकिन देखने जाओ तो तर्जुमा वही आकर रुक जाता है। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। तो खैर, सबसे बड़ी चीज़ है अल्लाह का डर। फिर एक मरतबा बोलो भाई, सबसे बड़ी चीज़ है अल्लाह का डर। मैं बार बार कह रहा हूँ अल्लाह का डर हो जाए ना। मैंने बीच में मौन इलिया रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिया, भाई लिया था ना मौन इलिया, कि ये दावत तो तबलीग का काम है ना, इसमें मेरे को भी जुड़ना है, आपको भी जुड़ना है, क्योंकि असल चीज़ अल्लाह ने बहुत सी उम्मतें पैदा की, बोलो अल्लाह ने बहुत सी उम्मतें पैदा की, लेकिन जब हमारी उम्मत को पैदा किया अल्लाह ने फरमाया इससे अच्छी कोई उम्मत नहीं है। अरे अल्लाह ने हमारी बहुत तारीफ की, हमारे नबी ने एक मर्तबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को फरमाया मेरी उम्मत बहुत प्यारी उम्मत है, अंतुमुल अव्वलून व अंतुमुल आखिरून। हमारे नबी ने फरमाया ओ मेरे उम्मतियों तुम सबसे आगे हो, तुम सबसे पीछे हो। अब सारे सहाबा एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, क्योंकि जो आगे होगा वो पीछे नहीं होगा, जो पीछे होगा वो आगे नहीं होगा, अपोजिट है। और हमारे नबी बार बार तुम सबसे आगे हो, तुम सबसे पीछे हो। एक सहाबी खड़े हो गए, अल्लाह के रसूल नहीं समझ में आता, अगर हम आगे हैं तो पीछे नहीं होंगे, पीछे हैं तो आगे नहीं होंगे। हमारे नबी ने मुस्कुरा कर फरमाया तुम पीछे हो क्योंकि सारी उम्मत के बाद में तुम आए हो, दुनिया में आने में तुम पीछे हो और जन्नत में जाने में तुम सबसे आगे हो। हमारे नबी ने फरमाया उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, जब तक मेरी उम्मत जन्नत में दाखिल नहीं होगी वहां तक कोई उम्मत जन्नत में दाखिल नहीं हो सकती। तो हम पहले भी, हम आखिर भी, और हमको बेहतरीन उम्मत का पढ़ो ना, कुन्तुम खैरा उम्मा, अल्लाह फरमाते तुम सबसे बेहतरीन उम्मत। क्यों? उसका जवाब आ रहा है, क्यों बेहतरीन उम्मत है? उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहून अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह, भलाई का हुक्म देना। ये हम क्या कर रहे हैं? ये भी दावत और तबलीग है। एक मदरसे में बैठने वाली अगर कुरान पाक पढ़ाती है, आज हमारी बेटी को कोई कुरान पाक सही करावे? अच्छा, बास जगहों पर ये देखा जाता है, मालूम नहीं क्या स्पीड, क्या मामला, मेरे को नहीं समझना है, कहिए वो मदरसे में जाओ 6 महीने में कुरान नाजिरा ख़त्म होगा, वो महीने में जाओ 7 महीने में हाफिज़ा हो जाएगी। भाई कुरान पाक को पढ़ना है, सही पढ़ना है, तजवीद के साथ पढ़ना है। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अनु ने सूरह बकरा याद की 12 साल में, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने सूरह बकरा याद की 8 साल में। क्यों? क्योंकि कुरान को समझा, समझे, समझाए और कुरान को तफक। आज मेरे प्यारे, वो तो माफ़ करना, हम लोग भी यहाँ बैठे कितने ऐसे बैठे जिनकी
सूरह फातिहा भी सही नहीं होगी। आपको मालूम है मस्जिद नबवी में एक साहबी कुरान पढ़ रहे, देखो मैं पढ़ रहा हूँ, वो मस्जिद नबवी में कुरान पढ़ रहे, कैसा कुरान पढ़ रहे सुनना हाफिज साहब, देखना कहाँ गलती हो रही है वो देखना, वो साहबी कुरान पाक पढ़ रहे, इन्नम सदकात लिल फुकरा वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा। अब जाहिर बात है वो साहबी की आवाज़ भी बहुत अच्छी हो गई, लेकिन गलती हुई ना कारी साहब, गलती हो गई, गलती हो गई, जहाँ खींचना था वहाँ खींचे नहीं। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद वहाँ से पीछे से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा, जब उन्होंने ऐसा कुरान पकड़ा तो उन्होंने अपना कशीदा, कशीदा होता है ना वो जो रुमाल रखते हैं, वो रुमाल निकाला, उनके यूँ गले में डाला और यूँ करके खींचा, तो वो खड़े हो गए, कहा मैं कुरान पाक मस्जिद में पढ़ता हूँ और आप मुझे इस तरीके से खींचते हो। अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने कहा ऐसा कुरान पढ़ोगे कुरान तुम्हारे लिए वबाल बन जाएगा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बहुत से कुरान पढ़ने वाले मर्द और कुरान पढ़ने वाली औरतें हैं, उन्हें मालूम नहीं वो कुरान पढ़ रही है, हालांकि कुरान का एक एक हर्फ उन पर लानत बरसा रहा है। तो वो साहबी घबरा गए, कहा अल्लाह के रसूल, कहा अब्दुल्लाह इब्ने मसूद क्या क्या गलती हुई, कहा गलती ये हो गई तुमने क्या पढ़ा, देखो मैं फिर बताता हूँ उन्होंने क्या पढ़ा, इन अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने फरमाया मेरे नबी ने ऐसा नहीं पढ़ाया, ऐसे पढ़ाया इन्नमा सदकातु लिल फुकरा वल मसाकीन। एक खींचना जो था फुकरा मद्दे मुत्तसिल जिसको अरबी में कहते हैं वो छूट गया, उस पर अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने कहा कि कुरान की लानत होगी। तो ऐसा कैसा भाई, यहाँ जाओ तो 6 महीने में पूरा, यहाँ जाओ तो 7 महीने में पूरा, तो क्या हमारा दिमाग हजरत उमर से भी ज्यादा अच्छा हो गया? इसलिए मैं फिर वापस आ रहा हूँ, देखो सबसे बड़ी चीज़ है अल्लाह हासिदों के हसद से सबको बचाए, फितनों के फितने से बचाए, और अल्लाह हमारा ये मदरसा दावतुल इस्लाम को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से मालामाल फरमाए। एक बात मुझे बतानी है कि पहले दुनिया में लोग रोड़े डालते थे, आज दीन में रोड़े आ रहे हैं, अल्लाह हिफाजत फरमा देवे, अल्लाह हिफाजत फरमा देवे। लेकिन बात बहुत पते की है, बोलो तो बोलूँ मैं, नहीं नहीं बोलूँ मैं बोलूँ, नाराज़ तो नहीं होंगे ना, नाराज़ तो नहीं होंगे ना, क्योंकि बात एकदम फिट ओ फिट है। तो बात ऐसी है कि कयामत आएगी, कारी अकील तू तो कुछ बोल यार, अल्लाह का बंदा कोई नहीं बोलता, तू तो मेरा साथ दे। आज यासिर की बीवी भी गुस्से में थी, अभी मेरे को खाने की दावत, इतना मिर्च डाली खाने में, बोल देती पहले से यासिर को कि कारी साहब अकेले आवे, 10-10, 20-20 को काय को लेकर आता है, ये तो सलमान को भी मालूम है, पूछो इसको, पूछो इसके घर जब दावत होती है हम 4 आएंगे, फिर थोड़ी देर के बाद फ़ोन करवाता हूँ 8 आएंगे, फिर उसके बाद फ़ोन करवाता हूँ 12 आएंगे, हम तो अकेले ही चलते, कारवा मिलता जाता है। और ये मेरे साथी है जो मेरे मुरीद है ना, क्या नाम बेटा, फरीद भाई, तेरे को बताओ ये मुरीदों में किसी पर मेरे को भरोसा नहीं है, क्यों मालूम, एक दिन मैं बीमार था और खाने की दावत थी, तो मैंने कहा भाई मेरे को एक कमरे में आराम, मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे मुरीदीन भी कहेंगे कि जब हजरत नहीं खाते तो हम कैसे खाएं। मैंने वहाँ खिड़की में से देखा आस्तीन चढ़ा के आम मज़ेदार खा रहे। बाद में मैंने कहा तुम लोग मेरे बगैर खा लिए, तो मुँह लटका के बोलते अब क्या करें, सामने वाले ने कहा तो खा लिए अपने। आज यासिर की बीवी ने भी चाय बनाई तो ऐसी पत्ती डाली, खाना बनाई तो ऐसा मिर्च डाली, भाई पहले से यासिर बोल दिया होता कि खाने की दावत नहीं करना। खैर आप लोग थोड़ा हंस लो क्योंकि बहुत गर्म टॉपिक पर आ रहा हूँ मैं, बहुत ही गर्म टॉपिक, अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। कयामत आएगी कि नहीं, जल्दी नहीं बोलो, टाइम खत्म हो रहा भाई, कयामत आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। अल्लाह ने फरमाया पढ़ो ना मेरे साथ में, पढ़ो ना, अल्कारियातु मल्कारियातु वमा अदराक मल्कारिया, कयामत आएगी और खिटखिटा कर आएगी। आपको मालूम है कयामत में अल्लाह ताला नामे आमाल देंगे, देंगे ना नामे आमाल, किसी को बोलो सीधे हाथ में, किसी को अच्छा, वहाँ देखना नहीं पड़ेगा, पूछना नहीं पड़ेगा, जैसा आजकल रिपोर्ट आता है तो देखते हैं भाई क्या लिखा, क्या क्या लिखा। अल्लाह कहते हैं कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, तेरे हाथ में आएगा, पता चल जाएगा तुझे कहाँ पर जाना है। अल्लाह कहेंगे तू ही देख ले, तेरे नतीजे पर पहुंच जा। अल्लाह ने फरमाया वनुखरिजु लहु यौमल कियामति किताबन यल्काहु मंशूरा इकरा किताबक कफा बिनफ्सिकल यौम अलैक हसीबा। अल्लाह फरमाते कयामत में नामा अमल आएगा, तेरे हाथ में गिरेगा, अपने नतीजे पर पहुंच जाना। लेकिन फिर मेरे को बोलो किसके दाएं हाथ में आया तो वो, बाएं हाथ में आया तो, लेकिन एक तीसरे हाथ में भी आएगा, 3 हाथ में नामा अमल गिरेगा, सीधा
बोलो सीधा जन्नती, साथ में बोलते जाओ सीधा। फअम्मा मन उतिया किताबहु बियमीनिही फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा। दुआ करो अल्लाह हमको ये दे दे रे भाई, सीधे हाथ में नामे आमल आ गया जन्नती, बाएं हाथ में आया चिल्ला चिल्ला के रोएगा, इतना रोएगा ये आंसू खत्म होंगे, खून के कतरे टपकते होंगे। वअम्मा मन उतिया किताबहु बिशिमाली फयकूलु या लैतनी लम उत किताबिया वलम अदरी मा हिसाबिया या लैतहा कानतिल काज़िया। तो चलो सीधे हाथ में बोलो जन्नती, उल्टे हाथ में, लेकिन हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद फरमाते एक तीसरे हाथ में भी नामे आमल आएगा। वो कैसा आएगा? फरिश्ता जहन्नम का लोहा लेकर आएगा, गरम गरम 3000 साल गरम किया लोहा कयामत में लाएगा, और कुछ लोग होंगे उनके सीने पे लोहा मारेगा, पाइप की तरह लोहा होगा, यूँ लेके ज़ोर से सीने पे मारेगा, वो लोहा आर पार हो जाएगा, फिर वो लोहे को बाहर निकाला जाएगा तो सीने में इतना बड़ा सुराख हो गया होगा। और ये सब करने वाला कौन? फिर वही फरिश्ते आएंगे, उसके उल्टे हाथ को पकड़ेंगे और यहां से डालेंगे, यहां सीने से डालेंगे, वहां पीठ के पास निकालेंगे और वहीं पे नामे आमल दे दिया जाएगा। जिसको मैं नहीं कहता, अल्लाह ने फरमाया, हाफिज साहब मेरे साथ में पढ़ेंगे कारी साहब, वअम्मा मन उतिया किताबहु वरा ज़हरी फसौफ यदउ सुबूरा व यस्ला सईरा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते वो जहन्नम का लोहा लाया जाएगा, आर पार सुराख किया जाएगा, उसके उल्टे हाथ को पकड़ा जाएगा, यहाँ सीने में से डाला जाएगा, पीठ में से निकाला जाएगा। जब हमारे नबी ने यह फरमाया, सारे साहब कांप गए, अल्लाह के रसूल ये कौन लोग होंगे? फरमाए वो लोग होंगे जो लोगों को दीन की मेहनत से रोक रहे होंगे, अल्लाह के रास्ते में रोक रहे होंगे, खुद भी नहीं करते होंगे, किसी को चैन सुकून से करने नहीं देते होंगे, खुद भी तालीम नहीं करते होंगे, किसी और को तालीम करने नहीं देते होंगे। दीन के मामले में रोड़ा जो बनता होगा उसको नामे आमल पीठ के पीछे दिया जाएगा। हमारे नबी ने फरमाया, एक तो इनको दिया जाएगा, नंबर दो किसको दिया जाएगा? जिसने किसी पर जुल्म किया होगा, हाँ, चाहे शोहर ने बीवी पर जुल्म किया हो या बीवी ने शोहर पर जुल्म किया, किसी को मारा होगा, किसी को गाली दी होगी, और वो कयामत में अल्लाह को कहेगा, अल्लाह ए अल्लाह, इसने मुझे दुनिया में मारा था, इसने दुनिया में मुझे गाली दी थी, इसने दुनिया में मुझे ये किया था, हालांकि उस वक्त मेरे पास ताकत नहीं थी। अल्लाह ताला फरमाए, आज उसी के हाथ को मोड़ा जाएगा, उसके सीने से लेके उसकी पीठ पे निकाला जाएगा, उसको नामे आमल वहां दिया जाएगा। जिसने किसी को मारा होगा, किसी को गाली दी होगी, किसी को तड़पाया होगा, किसी का माल हड़प लिया होगा और फिर वापस देने को तैयार नहीं होगा। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। इसलिए मैं आखिरी बात मौने इलियास वाली बार बार आके मैं रुक जाता हूँ एक बात बताकर कि देखो दीन इसका नाम है। हज़रत मौने इलियास रहमतुल्लाह अलैह जो बानी है दावत व तबलीग, उन्होंने कितना काम किया, कितना काम किया, अल्लाह की कसम ये दावत तबलीग का काम कोई लाख रोकने की कोशिश करे, हम कसम खा कर कहते ये कयामत तक चलने वाला काम है। लोग बुझाने की कोशिश करेंगे लेकिन अल्लाह ये नूर जो मौने इलियास के ज़रिए से अल्लाह ने जलाया है ये बुझने वाला नहीं, बोलो ये बुझने वाला। मौने इलियास रहमतुल्लाह अलैह जब दावत तबलीग में लगे, आप जमात को लेकर, आपकी पहली जमात 15 आदमी की पानीपत पहुंची, आप रहते थे दिल्ली में, पढ़ाते थे सहारनपुर में, फिर कभी दिल्ली में, तो पहली जमात आपकी कहाँ जा रही है और कितने आदमी है? अब जब पानीपत पहुँचे, अब वहाँ छोटी मोटी मस्जिद, सब अपना सामान हो मिले, पहले तो जमात वाले जाते थे तो चावल भी लेकर जाते थे और गेहूँ भी लेकर जाते थे और आटा भी लेकर जाते थे और केरोसिन भी लेकर जाते और चूल्हा भी लेकर जाते और माचिस भी लेकर जाते। आज के तो जमात वाले को मालूम है बिरयानी बन जाएगी, बाहर से ऑर्डर दे देंगे, बल्कि एरिया ढूंढता है कि ज़रा कोई गोवा हुआ वाला एरिया मिले ना तो ज़रा अच्छा लगे, है कि नहीं मुन्ना भाई, ऐसा होता है कि नहीं होता? हाँ, तो पहले की वो जमाती जो थी, तो मौने इलियास भी सब लेकर पहुँचे। अब जाकर मस्जिद में सारे कोने में सामान रखा, साथियों को कहा चलो वजू करो, दो रकात तहियतुल मस्जिद, भाई मस्जिद में आए तो दो रकात नमाज पढ़ना। अभी मौने इलियास दो रकात पढ़ के फारिग हुए, एक हट्टा कट्टा मोटा आदमी है, कारिया किला लंबा चौड़ा मोटा हट्टा कट्टा आदमी वहाँ खड़ा, कहता इलियास आप हो, मुल्ला इलियास आप हो, वो उनकी जबान थी। तो मौने इलियास ने कहा मैं, क्योंकि मौने इलियास बहुत दुबले पतले थे, जब हम नाम सुनते ना मौने इलियास दावत तो तबलीग के बानी ममानी, हमारा दिमाग तो कैसे लंबे चौड़े होंगे, ना 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 दुबले पतले से थे। तो कहा कि आप मुल्ला इलियास से? कहा हाँ मैं मौने इलियास। तो उन्होंने कहा आज मगरिब के बाद मेरे घर दावत,
मौन इलियास ने मना किया, देखो केरोसिन भी है, चूल्हा भी है, माचिस भी है, खाना भी है, हम खुद पका लेंगे, खा लेंगे, हम तो अल्लाह रसूल के वास्ते निकले, खाने के वास्ते थोड़ी। कहा मैंने कहा ना पानीपत में यहाँ मेरा बहुत बड़ा ऊंचा मकाम है, आपको मगरिब बाद दावत मेरे घर पे। अब मौन इलियास ने सोचा दावत कबूल करना भी सुन्नत है, कहा ठीक है तुम्हारे यहाँ दावत। साथी को कह दिया भाई मगरिब बाद इनके घर पर अपने को क्या है दावत है। तालीम में बैठ गए भाई, तालीम में बैठ गए। अब तो तालीम में भी बैठते वहाँ भी मोबाइल से खेलते, तालीम में बैठते ना वहाँ भी मोबाइल से खेलते, ऑनलाइन बेचारा वो मौलाना सबक पढ़ाता है वो मोबाइल पे गेम खेलता है, ऐसा हाल हो गया, अल्लाह हिफाजत फरमाए। खैर मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह तालीम में बैठ गए, इतने में एक और शख्स आया, हाँ वो इतना मोटा मोटा नहीं था, आया कहा मौलाना वो आपको मगरिब बाद दावत दी ना, कहा कहा मगरिब बाद नहीं आना ईशा बाद। मौलाना ने कहा कोई बात नहीं भाई, मगरिब बाद वाली कैंसिल और ईशा। और कहा मैं सगा भाई हूँ उनका, वो मगरिब बाद गलत बोल के गए, कब दावत है। मौलाना ने कहा कोई बात नहीं ईशा के बाद दावत, भाई अल्लाह के वली का ईशा। अब मगरिब के बाद मौलाना मगरिब की फ़र्ज़ हो गई, सुन्नत नवाफिल हो गई, आप खड़े हो गए, और मौलाना इलियास का बयान कैसा होगा सोचो, सुभान अल्लाह। हमारी तरह चीखते चिल्लाते नहीं होगे, लेकिन मैं कहता हूँ मेरे बयान में और उनके बयान में फ़र्क ये था, हमारी ज़बान काल है, उनकी ज़बान हाल थी। हम लिसान काल से बोलते, वो लिसान हाल से बोलते, हम बसारत से देखते, वो बसीरत से देखा करते थे। अब मौलाना इलियास का बयान और मजमे ने रोना शुरू किया, फिर वो तश्कील हुई, फिर वो ईशा की नमाज़ खड़ी हुई। अब ईशा की नमाज़ के बाद तो दावत में जाने का, मौलाना इलियास ने अपने साथियों को कहा चलो चलो भाई ईशा के बाद अपनों को दावत में जाना, चलो दावत में चले। अब दावत में गए तो वो जो बड़ा भाई था ना, कौन मोटा हट्टा कट्टा, वो खड़ा, कहने लगा मौलाना आप लोग क्यों आते हैं यहाँ पे, आप अल्लाह रसूल की मेहनत करने आते हैं। और फिर उसने सीधे माँ बहन की गालियाँ शुरू कर दी, और मौलाना को तीन मरतबा इतना ज़ोर का धक्का मारा मौलाना गिर गए। कहा हमने मगरिब बाद बुलाया था, हमारी औरतें गरम गरम रोटियाँ बना रही है, चूल्हा जला रही है, सालन गरम कर रही, चावल गरम हो रहा है, और आप लंबी लंबी बयान करते हो, तकरीर करते हो, आप ईशा के बाद आते हो, मैंने आपको कहा था मगरिब के बाद और आपने साथियों से भी कहा था मगरिब बाद, फिर आप इस तरीके से करते हो। फिर क्या किया उसने, दस्तरखान तो लगवाया, सारे साथियों को बिठाया, और मौलाना को कहा बैठ जाओ भिखारी की तरह, तुम भी बैठ जाओ। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह वो बैठे बैठे पीछे गाली देता और बार बार आपके कंधे पे यूँ हाथ मारता यूँ, लेकिन मौलाना चुपचाप खाते रहेगा। अच्छा वो छोटा भाई भी वहाँ खड़ा हुआ है जो चेंज किया था, वो भी खड़ा हुआ है वहाँ पे। मौलाना खाते रहे रोते रहे, क्या खाते भाई ऐसे में आदमी क्या खाएगा, क्या खाना होगा, क्या खाना होगा। खैर साथियों ने भी खाया, मौलाना भी रोते रहे। जब हो गई दावत, जब जाने लगे तो उसने फिर धक्का मारा मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह को। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह गिरते गिरते बचे, उससे माफ़ी मांगी मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने, और वहाँ से चले। और मस्जिद में आकर जो ज़ारो कतार सजदे में गए, और मौलाना इलियास जो रोए हैं सारे साथी रोए हैं। जब सबका रोना ख़त्म हुआ तो साथियों ने कहा मौलाना आपने वहाँ कहा क्यों नहीं कि तुमने मगरिब बाद दावत दी थी, वो तुम्हारा भाई खड़ा है ना, उसने ईशा के बाद दावत दी। मौलाना ने जवाब दिया अगर मैं कह देता दो भाइयों में झगड़ा हो जाता, और जब इनमें झगड़ा होता तो दोनों की बीवी आपस में लड़ती, फिर इनके घर में जो माँ है वो या तो बड़े भाई की तरफ जाती या छोटे भाई की तरफ जाती, और ये झगड़ा कितने दिनों तक चलता। अरे मैंने गालियाँ खा ली, मांग लिया, एक घर को झगड़े से तो मैंने बचा लिया, एक पूरे खानदान को तो मैंने झगड़े से बचा लिया, अल्लाह तो मेरा मुझसे राजी हो जाएगा। मेरे प्यारो हमको दावत और तबलीग ने ये सिखाया है कि झगड़े नहीं, हसद नहीं, बोग्ज नहीं, अदावत नहीं, दुश्मनी नहीं, एक बनकर ये काम करना है, और जब तक हम एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे अल्लाह की कसम हमको हिदायत नसीब नहीं होगी। इसलिए मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ, और फिर एक मरतबा सबसे एक बात की दरख्वास्त कर रहा हूँ। पहली बात तो ये कि अल्लाह से डरना, बोलो डरेंगे इंशाल्लाह। दूसरी बात हमारी माँ बहनें पर्दा करें, पर्दा करना फ़र्ज़ ऐन, बोलो पर्दा करना फ़र्ज़ है, जैसा फजर की नमाज पढ़ना फ़र्ज़ ऐन, पर्दा करना फ़र्ज़ ऐन। तीसरी बात मैं कहूँगा हमारी बेटियों से, मेरी प्यारी बेटियाँ मोबाइल से बचे, मोबाइल से बचे, ये मोबाइल हमको मौत के वक्त कलमा भी नसीब नहीं करेगा, मोबाइल से बचे। और चौथी बात मैं ये कहूँगा आपस में कोई इधर उधर औरतें जमा होती हैं, बहुत गीबतें करती हैं, इसका हिस्सा हुआ, उसका हिस्सा हुआ, रुकैया का हिस्सा हुआ, फातिमा का हिस्सा हो गया, आयशा का हिस्सा हो गया, जैनब का हिस्सा हो गया। अरे भाई तेरा क्या गया, अल्लाह कब्र में तेरे को पूछेगा कि जैनब ने क्या किया था। हाँ तेरे को जो अभी देना है अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर कर दे, बाकी लोगों की गीबत करने की, किसी की लड़की भाग गई तो अपने को यहाँ बात करने का, किसी के घर में चोरी हुई तो यहाँ बात करने का। तालीम में आते और बड़े खुश खुश होकर आते कि तालीम तो 3 बजे शुरू होगी ना, 2:45 बजे जाओ, 15 मिनट पंचायत करने का मौका मिलेगा।
अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। और आखिरी बात मैं आपसे भी कहूँगा, जो मेरे भाई बैठे यहाँ पे और जो मेरी माँ बहनें बेटियाँ बैठी है, अगर आज अपने को कोरोना बीमारी से बचना हो, हर किस्म की बीमारियों से बचना हो, तो आज से तय कर ले कि मेरी जान जा सकती है मगर मेरी नमाज कभी कज़ा नहीं होगी। सब मेरी माँ बहनें दिल दिल में इंशाअल्लाह बोले, नमाज कभी भी कज़ा नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह का फ़ैसला है, नमाजी जन्नती है और बेनमाजी जहन्नमी है, और अल्लाह के फैसले के आगे कोई फैसला नहीं। बल्कि मैं तो एक बात कहता हूं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बोलो कौन, गौस पाक, आलिम रब्बानी, फैद सुभानी, अल्लाह की कसम लोग कहते हैं हम उनसे मोहब्बत करते हैं। अरे मेरे प्यारों, मैंने उनके बारे में बहुत पढ़ा, बहुत पढ़ा, बहुत पढ़ा, बहुत पढ़ा, और भी और कितना पढ़ना बाकी होगा मेरे को नहीं मालूम, लेकिन बहुत पढ़ा। लेकिन एक बात ने ऐसे दिल में चोट लगाई कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आखिरी फतवा दे दिया, ज़िंदगी का आखिरी फतवा, उसके बाद आप दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह को प्यारे हो गए। दुआ करो कि अल्लाह ताला उनके नक्शे कदम हमको चलने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन आखिरी फतवा देकर गए, मन तरक सलात मुतअम्मिदन वला वाइदा लैस लहु फिल इस्लाम नसीब, जिंदगी का आखिरी फतवा दिया लोगों। जिसने जानबूझकर एक फर्ज नमाज को छोड़ा, जिसने जानबूझकर एक फर्ज नमाज को छोड़ा, फरमाते मजहब इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक ही बाकी नहीं रहा, इस्लाम से उसका कोई लेना देना ही नहीं, मामला ही ख़त्म हो गया। कि इतने बड़े गौस पाक ने ऐसे तो नहीं कहा होगा, अपनी मर्ज़ी, और कभी अपनी मर्ज़ी से बोले ही नहीं, क्योंकि कई मर्तबा वो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी लोगों से कहते थे, ए लोगों, तुम लोग मुझसे सवाल पूछते हो, मैं फ़ौरन जवाब नहीं दूंगा, मैं कुछ देर के बाद जवाब दूंगा। किसी ने कहा आप क्यों देर के बाद जवाब देंगे, फरमाया मैं उस वक्त तक जवाब नहीं देता जब तक मेरे नबी से मशवरा नहीं कर लेता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए ये बात बिल्कुल पक्की है, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सब आमीन बोलो। अल्लाह मदरसा दावत इस्लाम को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से माला माल फरमाए। अल्लाह अब मेरे जैसे नालायक सरपरस्ती करे, लेकिन मैं तो खुश हूँ कि मेरे पीछे जो उलमा का एक बहुत बड़ा स्टाफ है जो काम करता है और यहाँ की तालीम पर नज़र रखता, अल्लाह तबारक व ताला उन सब उलमा को भी कबूल फरमाए। और मेरे को एक बात करना है, अभी वसूली करना है, करूँ ना, नमाज तो पढ़ेंगे सब इंशाल्लाह, वसूली ये करना है कि हमारे यहाँ मदरसा फुरकानिया जो चलता है, जिसके ज़िम्मेदार हमारे कारी अकील साहब दामन, इनको ज़िम्मेदार बनने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह ने डेल डोली ऐसा बनाया कि ऑटोमेटिक ज़िम्मेदार बन गया। तो हमारे कारी मदरसा फुरकानिया, जिसमें तकरीबन 100 से ज़्यादा कुछ बच्चे तालीम हासिल करते हैं, और सालाना खर्च जो है, क्योंकि मस्जिद भी उसके साथ लगी हुई है, मदरसा फुरकानिया भी लगा हुआ, तो सालाना खर्च तकरीबन 3 लाख को पहुँच जाता। तो पहले तो सलमान बेटा और आप लोग सबसे मैं कहूँगा, पहले इतना आसान था कि यहाँ जापा बाज़ार में आपने देखा बहुत सारी लारियाँ लगती है, तो किसी ने कुछ दे दिया खर्चा निकल जाता। लेकिन लॉकडाउन के बाद से ये मामला मदरसा फुरकानिया का और मस्जिद का कर्जे में जा रहा, क्योंकि लोगों के ऊपर हालात है, लोग नहीं दे पाते हैं, किसी का धंधा चलता, किसी का कारोबार चलता, किसी का नहीं चलता, क्योंकि रोजी देने वाला कौन है, खल्ला, हमको लॉकडाउन से कोई भरोसा नहीं, हमारा भरोसा तो किस पर है, अल्लाह पर है। तो ये मदरसा फुरकानिया वालों ने एक बहुत अच्छी स्कीम निकाली है कि ये कार्ड हमारी हर माँ बहन को लेना है। इस वक्त ये कार्ड मेरे हाथ में है, लेकिन मेरी माँ बहनें पर्दा में है, तो ये कार्ड सबको लेना है। ये कार्ड मिलेगा आपको 140 रुपये में, भाई साथ में बोलो कितने में मिलेगा, हमारी माँ बहनें दिल दिल में बोले कितने में मिलेगा, 140 रुपये में। और आपका 140 रुपया बर्बाद नहीं होगा, संडे के दिन यानी आने वाले इतवार को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर में 2 बजे तक ड्राई फ्रूट हलवा का एक पैकेट आपको दिया जाएगा। ये 140 रुपये आप देंगे, उसके बदले में ड्राई फ्रूट हलवा आप लेंगे, और उसमें जो नफ़ा होगा वो नफ़ा मस्जिद और मदरसे में चला जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, यानी मेरे जैसा हो तो ऐसे कार्ड वार्ड वाले धंधे नहीं करें, सीधा भाई ला 500 500 500 500 एक एक से वसूल करके बाद। लेकिन ये बेचारे अल्लाह के वली लोग हैं, ये बेचारे सोचते हैं कि कुछ देना तो कुछ लेना। तो अभी हमारी हर माँ बहन यहाँ से जाएगी तो 140 रुपये का कार्ड ज़रूर लेकर जाएगी, और इतवार के दिन अपने शोहर को भेज देना, वो तो भेजेगी, बहुत होशियार है, इतवार के दिन अपने शोहर को भेज देना कि अपना हलवा ड्राई फ्रूट वाला हलवा ले ले। वे कारी अकील साहब, तेरे को तो कम से कम 100 कार्ड लेने चाहिए, 300 भेज दिए तुम लो, नहीं तुम खुद लो ना, क्योंकि इतना सा 140 का हलवा कहाँ जाएगा पेट में, कौन से कोने में रहेगा वो भी समझ में नहीं आएगा। तो खैर हमारी माँ बहनें 140 रुपये का कार्ड ले,
और ये अल्लाह रसूल की मोहब्बत में ले, बल्कि मैं तो कहता हूँ इसलिए ले कि इस कार्ड के बदले अल्लाह मेरे बेटे को हाफिज़ बना देवे, अल्लाह मेरे घर में चैन अता देवे, अल्लाह मेरे शोहर का धंधा कारोबार जोर पर ले आवे। इस 140 रुपये में कितने बच्चे पढ़ेंगे, कितने कुरान पाक पढ़ेंगे, एक एक घर पर कितनी नेकियाँ मिलेगी। ये तो बहुत सस्ता सौदा है कि 140 देने का, मिठाई लेने का। अब जो बचा कुचा नफा है वो कुरान पाक के वास्ते जा रहा है। इसलिए मेरी माँ बहने कोई भी यहाँ से और यहाँ जितने बैठे हैं ना, उन सबसे भी मैं कहूँगा 140। अब जैसा सलमान और तुम्हारे जैसा बैठा हुआ है, तुम लोग को 140 किया, तुम लोगों को तो कम से कम 50-50 कार्ड लेके जाना चाहिए। अल्लाह ताला सबको दे देना भाई, 50-50 कार्ड दोनों को दे देना। हाँ, मैं अभी मैं आपकी दुआ के लिए आने वाला था, तो मैंने सलमान को कह दिया कि भाई मैं कुछ भी ना चाय पीऊँगा ना ठंडा पीऊँगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ सब कुछ मेरा हो गया, खाना पीना। वो अलग बात है कि यासिर भाई ने मिर्च भी डाला, उसकी बीवी ने चाय में भी शक्कर ज़्यादा डाली और वो पत्ती भी ज़्यादा आ गई, वो सब हो गया। हाँ, तो उसके बदले में, मेरी दावत के बदले में ये कार्ड ले लेना। अल्लाह ताला आप सबको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। तो कार्ड आपके पास ज़्यादा होंगे ना, आप ये मर्दों में बैठने का काम करो, और वहाँ माँ बहनों में कोई एक जिम्मेदार औरत बना दी आपने, माशाल्लाह बहुत होशियार है, मेमन से भी बड़ा हुआ है, तो एक जिम्मेदार औरत वहाँ तैयार हो जाए, वो सारी औरतों में ये काम करे, और ये 140 वाला कार्ड जरूर ले, मिठाई जरूर ले, और उसके बाद में जो नफा पहुंचे वो बच्चों को पहुंचे, और अल्लाह उनके कुरान पाक का सवाब हम सबको अता फरमाए। भाई कहने में सुनने में कुछ गलती हो गई तो माफ फरमाए। हाँ, और एक कार्ड मैं अपनी तरफ से लेकर आया हूँ, असरबाद वाला या 23 अमल वाला? 23 अमल वाला नहीं, क्यों भाई? मेरी माँ बहनें, ये मर्दों में तो ये कार्ड बहुत तकसीम होता है, आज आपको भी तकसीम कर रहा हूँ। कल जुमा का दिन है, कल जुमा का दिन है, असर की नमाज़ मेरी माँ बहनें आप घर में जहाँ पढ़ना है वहाँ पढ़े, लेकिन उसके बाद 80 मरतबा दरूद पढ़े। कौन सा दरूद पढ़े, पढ़ो मेरे साथ में, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अन्नबियिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा कोई भी उम्मती मर्द हो या औरत हो, हमारे नबी फरमाते जुमा के दिन असर की नमाज के बाद 80 मरतबा पढ़े, अल्लाह 80 साल के गुनाहों को माफ फरमाएंगे, अल्लाह 80 साल की इबादत उसके नाम आमाल में लिखेंगे। तो अल्लाह हम सबको ये दरूद पाक पढ़ने की भी तौफीक अता फरमावे, और ये कार्ड जो मदरसा फुरकानिया के वास्ते वो भी लेने की तौफीक अता फरमावे। अल्लाह हम सबको बहुत अच्छा रखे। मैं यहाँ बैठे उलमा किराम का, कारी अकील का, मौलाना हुज़ैफ़ा साहब का, और भी बहुत से हमारे बड़े बुजुर्गान दीन का, मेरे वालिद साहब का, अब मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला सबके जान में, माल में, उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। फिर एक मरतबा कहूँगा, कोई गलती हो तो माफ़ फरमाए। 2 मिनट अल्लाह का जिक्र करे, 2 मिनट दरूद पाक पढ़े, और उसके बाद में हम दुआ करें, और इसका इंतज़ार करें कि हम सारे मर्द हजरात पहले उतर जाए, उसके बाद माँ बहनें सीढ़ी उतरना शुरू करें। जज़ाकुमुल्लाह व अहसन अलजज़ा, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई सब लोग गर्दन झुका दे, थोड़ी देर के लिए सोचे मेरे दाएं बाएं कोई नहीं, मैं और मेरा अल्लाह। थोड़ी आवाज़ बुलंद करे, पूरे बयान में माइक कंट्रोल सही नहीं रहा जी। भाई सब शुरू करें, शुरू करें प्यार मोहब्बत से, गर्दन झुका दे। अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह। हमारी माँ बहने दिल दिल में, आप लोग बुलंद आवाज से, अल्लाहु अल्लाह, 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 Allah, 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 La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ma'buda illallah, إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مقصود إلا الله لا مشهود إلا
الا الله لا موجود الا الله لا وهاب الا الله لا تواب الا الله لا سميع الا الله لا بصير الا الله لا حكيم الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله 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 لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سب درود پاک پڑھے صلى الله عليه وسلم 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 تسليما كثيرا كثيرا سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ بہت گنہگار ہے اللہ بہت گنہگار ہے اللہ اللہ بہت پیاری جگہ بیٹھے ہیں اللہ اللہ یہاں قرآن اور حدیث کا علم بہایا جاتا ہے اللہ جاری اور ساری ہوتا ہے اللہ بہت پیاری جگہ پر بیٹھے اللہ اور اللہ کتنی ماں بہنیں بیٹھی ہوگی کوئی حافظہ ہوگی کوئی قاریہ ہوگی کوئی عالمہ ہوگی الہ العالمین یہاں جتنے بیٹھے ہیں اللہ علماء کرام بیٹھے ہیں اللہ الہ العالمین کسی ایک کو بہانہ بنا کر ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے بہت گنہ گار ہے اللہ کیا بتائے اللہ کون کون سا گناہ بتائے وہ الگ بات ہے کہ تو نے گناہوں کو چھپا کے رکھا ہے کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا لوگ ہم سے دھوکہ کھا جاتے ہیں اور ہم تیرے سامنے ڈھونگ کرتے ہیں الہ العالمین ہم کو معاف کر دے ہمارے آنکھوں کے گناہ کانوں کے گناہ زبانوں کے گناہ ہاتھ پاؤں کے گناہ بدن کا ٹکڑا ٹکڑا گنہ گار اللہ بدن کا ٹکڑا ٹکڑا گنہ گار ہے اللہ بس اپنے فضل و کرم سے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے اللہ پوری امت کو معاف فرما دے کب تک تو ناراض رہے گا اللہ کب تک ناراض رہے گا اللہ کبھی کورونا آیا ناراضی کی شکل میں اللہ کبھی لاک ڈاؤن ہو گیا اللہ کبھی ڈینگیو آ گیا اللہ کبھی چکن گنیا آ گیا اللہ کبھی آسمان سے کوئی وبا آ گئی اللہ کبھی زمین سے کوئی وبا آ گئی اللہ یہ وبا آسمان زمین میں کوئی طاقت نہیں اللہ سیدھی بات ہے تو ہم سے ناراض ہو گیا اللہ تو ہم سے روٹ گیا اللہ تو ہم سے روٹ گیا اللہ اللہ ہمیں معاف کر لیا اللہ اتنا روٹا کہ تو نے کعبے کا دروازہ بھی بند کر دیا تو نے مدینے کا دروازہ بھی بند کر دیا ہمارے نبی کا دروازہ بھی بند کر دیا اللہ کتنے لوگ رمضان میں عمرے میں جاتے تھے اس کے بعد حج میں جاتے تھے اللہ اب میں کوئی نہ عمرے میں گیا نہ کوئی حج میں گیا اور معلوم نہیں کب دروازہ کھلے گا اللہ 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 ہمارے نبی بھی کہیں ہم سے ناراض تو نہیں اللہ اللہ سب کو راضی کر لے اللہ تو راضی ہو جا اللہ تو راضی ہو جا اللہ ایک دن آئے گا اللہ ایک دن آئے گا اللہ قیامت کا دن ہوگا ہمارے نبی سے آمنا سامنا ہوگا ہمارے نبی ہمارے سامنے ہوں گے اے اللہ اللہ اس وقت کی جو ناراضگی دیکھ رہے اللہ اللہ بہت ڈر لگتا اللہ وہ دن ہمیں قیامت میں بتانا اللہ کہ نبی ایک مرتبہ کہہ دے میں تیرا نبی تو میرا امتی میں تیرا نبی تو میرا امتی اللہ یہ دولت عطا فرما دے اللہ ہم میں سے کسی کو اللہ کسی کو نہیں امت میں سے کسی کو بھی نہیں اللہ وہ دن مت بتانا کہ قیامت میں نبی کہے میں تجھے نہیں پہچانتا تو مجھے نہیں پہچانتا اللہ بچا لے اللہ اللہ بچا لے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ یہ مدرسہ دعوت الاسلام مدرسہ فرقانیہ جتنے مدارس مکاتب خانقاہ دعوت و تبلیغ اللہ سب جگہ رشد و ہدایت کے چشمے جاری فرما اور الہ العالمین حافظ کامل بنا عالم بعمل بنا متقی بنا پرہیزگار بنا دین کا داعی بنا ہمارے بچوں کو ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور اللہ بہت سے لوگ روزی میں بہت پریشان ہیں اللہ بہت پاپڑ بیلتے نہیں ملتی روزی اللہ راتوں کو اٹھ کے روتے مگر روزی نہیں ملتی اللہ روزی رک گئی اللہ اللہ تو ناراض ہو گیا برکت والی روزی رک گئی اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہے ان کی عمروں میں برکت عطا فرما اور جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے اللہ 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 میری ماں چلی گئی اللہ اللہ میری ماں چلی گئی اللہ آج ہی وہ جمعرات کا دن تھا اللہ یہی تھوڑی دیر کے بعد کا وقت تھا اللہ الہ العالمین
वो साबिरा शाकिरा बन के तेरे दरवाजे पर आ गई अल्लाह। इलाल आलमीन, इलाल आलमीन, बहुत से ऐसे बैठे होंगे किसी के अब्बा नहीं होंगे, किसी की माँ नहीं होगी। इलाल आलमीन, इलाल आलमीन, उनकी कब्र को नूर से भर दे। बहुत याद आती होगी अल्लाह, वो माँ हंसती थी तो घर माँग हो जाता था, वो माँ की मुस्कुराहट पर घर रोशन हो जाता था। बाप एक मरतबा सर पे कंधे पे हाथ रखता था, सारी थकन दूर हो जाती थी। अल्लाह वो तेरे पास आ गए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, रहमतों से भर दे, उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे, उनकी कब्र में जन्नत की नेमतें लुटा दे, उनकी कब्र में जन्नत का बिछोना बिछा दे, और अल्लाह उनको कयामत में हमसे राज़ी कर दे। अल्लाह उनको राज़ी कर दे, अल्लाह हमारे सब गुनाहों को माफ़ फरमा दे। जो कहा अल्लाह कहने वाले को अमल करने वाला बना दे, सुनने वाले को अमल करने वाला बना दे। इलाल आलमीन, जो गलतियाँ हुई अल्लाह तू माफ़ फरमा दे। अल्लाह तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भलाई मांगी अता फरमा दे, जितने शुरूर से पनाह मांगी हिफाजत फरमा दे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमाईन। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।